तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने अकाउंटेंसी सेकंड ईयर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से प्रॉब्लम कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, यानी 4 प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एंड रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट ऑफ मालानाड स्पोर्ट्स क्लब चिकमंगलूर। बैलेंस शीट एसएम 30/3/2017 का, यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया गया है यहाँ पे, जिसमें लायबिलिटीज में है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कैपिटल फंड, असेसर में दिया गया कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल, फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, इसमें कंस्ट्रक्शन से आपको देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ईयर नहीं, यानी कि मोर देन वन ईयर, यानी थ्री ईयर्स का सब्सक्रिप्शन रेंट एंड सैलरी दिया गया है। ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपको पता लगेगा। एंड रिसीपेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018, यानी कि इस साल का रिसीपेंट पेमेंट अकाउंट है जो रिसीपेंट में दिया गया है। बैलेंस ब्रेकडाउन सब्सक्रिप्शन तीन साल का 16/17, 17/18, 18/19, ठीक है। डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट में रेंट 16/17 का, 17/18 का, सैलरी 16/17, 17/18, 18/19, ठीक है। एडजस्टमेंट करते हुए तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसमें प्रॉब्लम में करेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, फर्नीचर कब परचेस किया हमने 31/3/2018 को, और अगर जो स्पोर्ट्स मटेरियल वो भी हम कब खरीदी किया 1/10/2017 को, और अगर बैलेंस कैरी ऑन कैश बैलेंस है, ये है रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट कम्प्लीट। एडजस्टमेंट पाए दिए हैं यहाँ पे, 5 दिया गया है, एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5600, एक प्रिंटिंग अनपेड यानी अभी पेड नहीं है, यानी आउटस्टैंडिंग है 1000, इंटरेस्ट अक्रूड अभी इंटरेस्ट आना है, अक्रूड है अभी आना है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग 800, डिप्रिसिएट फर्नीचर 10% है, स्पोर्ट्स मटेरियल 10% है, कैपिटलाइजेशन के कैपिटलाइज 50% ऑफ डोनेशन, यानी कैपिटल में कितना ज्यादा डोनेशन है 50%, यानी 50% इनकम। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे आप और से देखिए, कुछ आइटम्स में मैंने एक सर्कल डाला हूँ, इसका मतलब ये है कि ना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा और ना ही बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट और रिसीपेंट पेमेंट आप और से देखिए, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी 3200, यानी कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था, लेकिन पेमेंट सर देखिए हमने सैलरी 3200 ऑलरेडी इस साल क्लियर कर चुके हैं, तो जो बिल क्लियर होता है वो कहीं भी नहीं आएगा, ना इनकम में आएगा ना ही बैलेंस शीट में आएगा, ठीक। इसलिए मैं इसको क्या डाला हूँ, राउंड ऑफ डाला, राउंड ऑफ मीन्स कहीं भी कोई दोनों ऊपर में किसी भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक आउटस्टैंडिंग रेंट 800, यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट था, लेकिन रेंट में देखिए 16/17 रेंट 800 ऑलरेडी हमने पेमेंट कर चुका, यानी ये ऑलरेडी खर्च हो चुका। एंड क्या है देखिए, फिर एक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, असेसर देखिए 4800 है, तो यहाँ पे देखिए 16/17, 4800 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हमको रिसीव हो चुका है, तो ये ऐसे जो आइटम ऑलरेडी हमने कर चुके हैं कम्प्लीट हो चुका है, तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, ना इनकम में एक्सपेंडिचर में ना ही बैलेंस, इसलिए मैंने इसको राउंड अप किया है। और एक कैश बैलेंस जो 52/400, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग कैश है 52/400, ये भी हमारे कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम पेमेंट साइड से करते हैं, फर्स्ट हम जो आइटम है वो आइटम लेंगे हम पेमेंट साइड, देखिए रेंट है 2016-17 का जो राउंड ऑफ हो चुका है, और 17-18 का है 8800, तो हम जो बैलेंस शीट डाल रहे हैं यहाँ पे कब का है 2018 का, तो 18 का आइटम यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। कितना अभी रेंट 8800, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट था 800 ये ऑलरेडी हो चुका है, ये कहीं पे नहीं आएगा, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रेंट कोई नहीं है, तो एक ही आइटम है, तो हम रेंट डायरेक्ट काउंटर कॉलम में लेंगे 2 रेंट, ठीक है। कितना है रेंट 8800, ठीक है। चलिए सैलरी यानी कि 3 ईयर का 16/17, 17/18, 18/19, 16/17 राउंड ऑफ हो चुका है और है 2, एक है 17/18 और एक है 18/19, ठीक है। तो चलिए हम 17/18 का कर रहे हैं, तो फर्स्ट 17/18 का लेंगे, इसके बाद जो 18/19 का है वो डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। पर देखिए भाई 17/18 का ऑनली सैलरी 2 सैलरी, सैलरी कितना है भाई 17/18 46,400 है, और एक उस पर एडजस्टमेंट है, सैलरी एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो चलिए हम उसको डायरेक्ट काउंटर कॉल में 46,400 पे, इनर कॉल में नहीं है एडजस्टमेंट कोई नहीं है। चलिए और क्या है भाई, प्रिंटिंग है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट काउंटर कॉल हम या भी जो भी हम प्रिंट करते हैं वो खर्चा हो रहा है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 1000 अनपेड है, तो चलिए इनर कॉल में लिखेंगे हम 15,200, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है जो हमने अभी पेड नहीं किया, अनपेड है, एडजस्टमेंट नंबर बी देखिए, ठीक है।
चलिए और क्या है, जनरल एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल कॉलम जो जनरल एक्सपेंसेस कितना है 10,800 है, सीधे आउटर कॉलम में, ठीक है। और क्या अभी फर्नीचर है, फर्नीचर हमने कब परचेज किया, 31/3/2018, यानी कि हमारा बिजनेस कब क्लोजर है, 31/3/2018 पे क्लोजर है, तो उसी टाइम हम परचेज किए हैं, उसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, लेकिन जो ओल्ड फर्नीचर है उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना होगा, तो डिप्रिसिएशन बाद में करेंगे हम। स्पोर्स मटेरियल 110 का है, इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। तो चलिए पेमेंट सेट हो चुके हैं, और रिसीव साइड में सब्सक्रिप्शन है, तो चलिए बाय सेंड लेंगे हम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है कितना है, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट 90,200 है, तो चलिए अमाउंट है 90,200, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है एक कितना है 5,600, एक ओल्ड है और एक न्यू, एक बैलेंस शीट साइड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और एक है एडजस्टमेंट साइड, यानी कि दो एडजस्टमेंट है, तो दो लाइन आपको छोड़ेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डोनेशन, डोनेशन पे भी एडजस्टमेंट है, 50% कैपिटलाइज हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम डोनेशन, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट 50% इनकम साइड और 50% बैलेंस शीट साइड, 32,400 इस पे एक ही एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ेंगे। चलिए इंट्रेंस फीस पे देखिए भी क्या है, इंट्रेंस फीस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। पिछले वीडियोस में इंट्रेंस फीस 50% या फुल अमाउंट क्या हो रहा था, कैपिटलाइज हो रहा था, तो हमें बैलेंस मिल रहे थे थोड़ा सा, यहाँ पे इंट्रेंस फीस टोटल एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 65,200, तो इंट्रेंस फीस कब आएगा, बैलेंस शीट पे एडजस्टमेंट रहा तो ही आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट है, चलिए इंटरेस्ट हमारा इनकम है बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है भाई, कितना है इंटरेस्ट लिखेंगे, अक्रूड है भी आना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,800 और एक एडजस्टमेंट इसका इनकम कॉलम। चलिए सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, हम मटेरियल सेल कर रहे हैं तो वो असेट में लेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एडजस्टमेंट करेंगे हम, फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पे है एड आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग 2018 का है, कितना है भाई 5,600, 95,800 हो जाएगा, ठीक है, बाद में कैलकुलेटर पे हम टोटल करके देखेंगे। चलिए इसके ऊपर देखिए, और एक सब्सक्रिप्शन है जो एडवांस रिसीव्ड है, कहाँ पे भाई बैलेंस शीट 7 है, लायबिलिटी से देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जैसा दिया गया है, जो आउटस्टैंडिंग इसके नीचे जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 है, यानी प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या होगा इसमें एड होगा, ठीक है। इस साल का अगर एडवांस रहा तो लेस होता है, एडवांस है लेकिन कब का ये 2017 का 4,000 इस पे एड होगा, ठीक है। तो कितना होगा भाई 99,800 आउटर कॉलम, ठीक है। चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, प्रिंटिंग अनपेड है, यानी कि प्रिंटिंग अनपेड अभी देना है, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग है, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग 2018 का आएगा, कितना है अनपेड 1,000 है, ये कितना होगा 16,200, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट अक्रूड, अभी इंटरेस्ट हमको आना है, तो हमारा इंटरेस्ट रिसीव कितना है टोटल 800, अभी कितना आना है ये भी आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग 2018 कितना है भाई 800 है, तो ये 0063,3,600। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, इंटरेस्ट है किस पे, डिप्रिसिएशन है किस पे भाई, फर्नीचर पे 10% है, तो चलिए तो फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन है, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 2 depreciation ऑन फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन करना, देखिए फर्नीचर जो है यहाँ पे एक है बैलेंस शीट 2017, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है फर्नीचर 32,800, इस पे फॉल ईयर का फुल डिप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। तो ऑन 32,800 इंटू 10/100 कितना होगा भाई 3,280 रुपीज, 10% कितना होगा 23,280। और एक फर्नीचर है जो पेमेंट सेट दिया गया है, पेमेंट सेट देखिए भाई जनरल एक्सपेंसेस के नीचे 31 का परचेस किया है फर्नीचर 31/3/2018, यानी 31 को परचेस किया है, तो एक दिन पे हमने यूज नहीं किया तो उस पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये आइटम को छोड़ देंगे। अगर जनवरी में होता है या फरवरी में अगर हम परचेज करते होते हैं तो 1 मंथ 2 मंथ का हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन
31 3 18 का एल लिया, इसके ऊपर कोई डिस्पेशन नहीं आएगा, तो सिर्फ फर्नीचर पे एक ही रिप्रेशन है 3280, ठीक है। इसके ऊपर किस स्पोर्ट्स मटेरियल भी है, चलिए ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल भी दो है, एक है जो बैलेंस शीट असर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 43,600 पे कितने परसेंट है भाई, 10% है, तो 10% ये भी हम डायरेक्ट लेंगे 10% 4,360 और स्पोर्ट मटेरियल हमने कब परचेज किए हैं, देखिए भाई पेमेंट साइड 110 यानी कि 10 अक्टूबर से, तो अक्टूबर 10 11 12 1 2 3 यानी कि 10 11 12 1 2 3 को बिजनेस हमारा क्लोज हो रहा है, टोटल अकाउंट क्लोज हो रहा है, कितने मंथ हो गए, 6 मंथ का बिल्स पे लेना होगा, तो किस पे लेंगे भाई, जो 57,600 दिया गया ना 57,600 पे कितना मंथ का 10/100 × 6/12 क्योंकि 1 ईयर नहीं हुआ, सिर्फ अक्टूबर में हमने किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च 6 मंथ हमने यूज किया, 6 मंथ का डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट होगा, तो कितना होगा अभी इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे हम कैलकुलेटर पे, 57,600 × 10/100 × 6/12 = 2,880 रुपीज होगा, ठीक है। तो चलिए इसको टोटल करेंगे, डिप्रिसिएशन 3,280 प्लस 4,360 प्लस 2,880 तो 10,000 टोटल हो चुका, ठीक है। चलिए डिप्रिसिएशन तो हो चुका है, नेक्स्ट क्या भाई, कैपिटलाइज 50% डोनेशन कैपिटलाइज हो रहा है 50%, तो यहाँ पे करेंगे हम लेस, कितना भाई 50% कितना होता 50% 16,200 आई थिंक 16,200 ऑटो करो, तो चलिए 32,400 का आप देखेंगे 32,400 × 50/100 16,200 करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसका ये तो हो चुका है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है 99,800 प्लस 16,200 प्लस 65,200 प्लस 3,600 1 lakh टोटल कितना होता है 1,84,800 माइनस 8,800 46,400 16,200 10,800 10,520 तो हमारा सरप्लस कितना है भाई 92,080 रुपीज, तो ये हमारा है सरप्लस टू एक्सेस इनकम और एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में क्या है सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, तो कितना होगा भाई 1,84,800, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नीचे का नजर आ रहा होगा, क्योंकि कैमरा में अगर नीचे नहीं भी आता है तो टोटल इसका है ये 1,84,800 1,84,800 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं बैलेंस शीट पे, फर्स्ट यहाँ पे लेंगे हम कैपिटल फंड, जैसे कि मैं कैलकुलेटर यहाँ पर रखूंगा, देखिए कैपिटल फंड कितना पे हमारा 1,30,800 है, इसमें ऐड करेंगे हम सरप्लस जो अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना अभी 92,080 रुपीज, ठीक है, ये है सरप्लस। और क्या जो हमने सरप्लस 50% कैपिटलाइज हो चुका था डोनेशन, तो डोनेशन पे ऐड करेंगे हम ऐड 50% डोनेशन से 16,200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या अभी हमारा यहाँ पे देखिए जिस जिस पे भी एडजस्टमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग अभी प्रिंटिंग के देना है 1,000 तो हमारे लायबिलिटी होगा तो यहाँ जाएगा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग कितना देना है अभी 1,000। फिर क्या भाई ये तो डिप्रिसिएशन असर के साथ लेस होगा, यहाँ देखिए भाई टीम का 2018 का बैलेंस शीट 18 करेंगे 4,600 अभी हमको
अंडरस्टैंडिंग है, इनकम आना है तो ये असर से जाएगा अंडरस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अंडरस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है भाई? 5,600। नेक्स्ट देखिए भाई यहाँ पे डोनेशन तो कर लिया है हमने, ये 17 का ये नहीं आएगा। और इंट्रेंस फीस ये भी हो चुका है, इंटरेस्ट अभी आना है कितना 800, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इनकम है क्योंकि आना है तो हमारा इनकम होता है तो असेट होता है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग असेट 800। ठीक है चलिए इसके अलावा देखिए भाई क्या क्या है हमारे पास। एक तो है हमारे पास असेट, असेट में तो फर्स्ट दिया गया है बैलेंस शीट दी के ओल्ड बैलेंस 17 का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट देखिए भाई इस बार फिर से हमने परचेस किया नहीं, एक ही इन्वेस्टमेंट है तो 5,200 आउटर कॉल में जाएगा डायरेक्ट। या आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे ही इंटरेस्ट आया हुआ है हमारा, अगर नहीं तो सेपरेट भी देख सकते हैं आप। ठीक है नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल है। स्पोर्ट मटेरियल करते हुए थोड़ा सा केयरफुली करना होगा आपको। ठीक है स्पोर्ट मटेरियल देखिए भाई पुराना ओल्ड कितना है 43,600 है। एड हमने फिर से परचेस किए थे, पेमेंट सब देखिए परचेस है 31/3/18 का 31/10/2017 का 57,600। ठीक है इसमें से टोटल के बाद निकालेंगे हम सेलिंग अमाउंट जो सेल किया था ना स्पोर्ट मटेरियल पे रिसीव सर 2,000 सर कितना है 2,000। ये निकालने के बाद हम निकालेंगे यहां से फिर लेस डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन कितना है मटेरियल पे 4,360 2,880। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा स्पोर्ट मटेरियल पे हमने कैलकुलेट कर देंगे 4,360 + 2,880 तो 7,420 रुपीज होगा। ठीक है कितना 240 रुपीज होगा। ठीक है चलिए ये तो हो गया स्पोर्ट मटेरियल। और फर्नीचर नेक्स्ट लेंगे हम फर्नीचर, फर्नीचर भी देखिए कितना है हमारा ओल्ड है 32,800। फिर से हमने परचेस किए हैं कितना परचेस किया फर्नीचर 38,000। इसको टोटल करके हमको डिप्रिसिएशन निकालेंगे जो है फर्नीचर पे एक ही, इसको लेस करेंगे हम लेस डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना है सिर्फ फर्नीचर पे एक ही है 3,280 सैलरी प्रिंटिंग जनरल एक्सपेंसेस फर्नीचर स्पोर्ट हो चुका है कैश बैलेंस कैश इन हैंड कितना है कैश इन हैंड 60,800। ठीक है चलिए इसको हम यहाँ पे कैपिटल का टोटल करेंगे 1,30,800 + 92,080 + 16,200 2,39,080। ठीक है तो चलिए यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चंस में देखिए जो हमारा अंडरस्टैंडिंग रेंट था 16-17 राउंड अप हो चुका है 2017 के 8,800 हमने ले चुके हैं। एक सैलरी है 16-17 राउंड अप हो चुका है 3,200 17-18 46,400 हमने ले चुके हैं। और एक है जो हमने एडवांस पेड किया था सैलरी कितना भाई 42,400। ये एडवांस सैलरी यहाँ पे जाएगा असल सर में एडवांस सैलरी कितना भाई 2,400। ठीक है और क्या भाई सैलरी तो हो चुका है इधर देखिए भाई हमारा सब्सक्रिप्शन 2016-17 राउंड ऑफ हो चुका है 17-18 हमने 92,200 लिए। और एक अंडरस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एडवांस है 18-19 का हमने रिसीव किया है 4,200 ये हमारा लायबिलिटीज होगा तो यहाँ पे जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आना भी कितना रिसीव किया हमने एडवांस 4,200। ठीक है तो अब टोटल करेंगे हम 2,39,080 +
1000 + 4200 244,280 कितना का टोटल 244,280 रुपीज। टोटल हमारा बैलेंस शीट है 244,280। चलिए असर से आ चुका है, असर से देखेंगे हम यहाँ पे पहले टोटल कर लेंगे हम मटेरियल्स का 43,600 + 57,600 1,01,200 - 2,99,200 - 7,240 रुपीज। तो टोटल असर है 91,960। फर्नीचर का देखिए अभी क्या है 32,800 + 80,800 -3,280 तो 77,520 रुपीज। तो इसको हम टोटल करके देखेंगे असर कितना आ रहा 5,200 + 91,960 + 77,520 + 60,800 + 2,400 तो हमारे दोनों तरफ भी दोनों साइड पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहा या कोई आपको कंफ्यूज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके वहां पे अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।